अपने इस महाराष्ट्र और आप गाने कर नाट्य गृह में जाके हम आगे का शूटिंग लेंगे। आइए भाइयों, भाइयों हम आ गए हैं घानेकर नाट्य गृह मंदिर में और यहीं पे अभी प्रोग्राम है, तो चलो हम ज्यादा वेट नहीं करेंगे, निकलते हैं अंदर। भाइयों तो हम आ गए सेट के ऊपर और ये सेट पे अभी पीछे का नजारा है, आप सभी को दिखाना चाहते हैं। हमारे महावीर जी भी यहाँ पे खड़े हैं और अब ये प्रोग्राम थोड़ी देर में शुरू होने जा रहा है। मैं किन लोगों को नाम लूं, पूना से लेकर पनवेल तक सभी पूरा यहाँ पूरा परिवार आ चुके हैं, फिर बीच बीच में मैं सभी लोगों का नाम मैं जरूर लेकर आऊंगा, आप लोगों का संबोधन करता रहूंगा। दीवा से हमारे पूरा उत्तर भारतीय समाज, और मेरा मन बढ़ाते रहिएगा। मैं आपके चरण शरण में आई हूँ, आप सबके आशीर्वाद में ही आई हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मन कर रहा है कि बस बातें करते चली जाऊँ, लेकिन मुझे पता है Thank you.
मैंने पानी पिया और अभी राम जी की भी पूजा करी है। अब इसके बाद है मैया रानी का, माँ शारदा का मैंने सारे गांव से आह्वान किया। अभी माँ मुंबा देवी की बारी है क्योंकि उनके आशीर्वाद के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। और माँ मुंबा देवी का आह्वान करते हुए एक छोटा सा मैं अपने अवध से अपनी माँ का, अपनी दादी माँ का पचरा लेके आई हूँ और आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करूंगी। अच्छा लगे तो माँ के नाम पे मुझे आशीर्वाद दीजिएगा। थैंक यू। और सिंखी दीदी को मैं प्रणाम करना चाहूंगी, उन्हीं का पचरा है ये, उनके द्वारा मैंने सीखा था। Thank you.
Thank you.
नहीं रहना कृतार्थ हो गया, मैं धन्य हो गई आप सबसे मिलके, आप सबका आशीर्वाद लेके। अभी देखे कुछ भैया लोग पीछे बैठे हुए, वो एकदम से आदेश कर रहे हैं कि दीदी सब्जी वाला सुनाओ, सब्जी वाला सुनाओ। तो क्या कहूँ, आप लोग क्या चाहते हो, क्या सुनाओ? कि मैं सब्जी वाला गाना गाऊं, तो एक बार मुझे संकेत दीजिए कि मैं गाऊं कि नहीं गाऊं। और मैं जब गाना गाती रहती हूँ ना, और आप लोगों की तालियों की गड़गड़ाहट मेरे कान में आती है, तो मैं गदगद हो जाती हूँ, मेरा उत्साह बढ़ जाता है और सोचती हूँ कि और एक कड़ी गा दूं। तो प्लीज मेरी बहनों, प्लीज मेरी भाभियां, मेरे भैया लोग, मेरा उत्साह बढ़ाइएगा, आप सबके आशीर्वाद की मुझे सख्त जरूरत है। थैंक यू सो मच। मैं गीत को सुनाती हूँ आप सभी को। Thank you.
सावन दीप जी पवन सेना
बाबा के बड़े अच्छे मित्र थे और मेरा कन्यादान करने के लिए मेरे द्वार पर आए थे और गिफ्ट में भैया ने मेरे हस्बैंड को घड़ी दी थी, घड़ी, और भैया की तरफ से मुझे आशीर्वाद आया, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। चैत मास वन केसर फूले, चैत मास वन केसर फूले, लिखे वैसाख आवत वाला, चैत मास होए गर्मी सतावे, टप टप चले पसीना वाला, चैत मास होए गर्मी सतावे, तालियों से मैं चाहूंगा। थैंक यू, थैंक यू अंजू जी का। आप सब आई के बजाने आंसू, Thank you.
भैया ने मुझे चटनी के ऊपर गीत गवा ही दिया, तो मैं एक गीत और गाना चाहूंगी सारी भाभियों की, सारी नंदों के लिए। कैसे टांग खींचती हैं भाभियां, मेरी नंद बड़ी होशियार, वो किट पिट इंग्लिश बोले। मेरी नंद बड़ी होशियार, वो किट पिट इंग्लिश बोले। किट पिट इंग्लिश बोले, बड़ी सॉलिड इंग्लिश बोले। किट पिट इंग्लिश बोले, बड़ी सॉलिड इंग्लिश बोले। मेरी नंद बड़ी होशियार, बहुत बहुत धन्यवाद। इतने सुंदर अद्भुत आपके इस आवाज के लिए ये समाज आपका ऋणी रहेगा। थैंक यू सो मच। प्रथा के अनुसार हमें तत्काल कुछ अतिथियों का स्वागत करना है, इसलिए विलंब न करते हुए मैं चाहूंगा
कि आज के महनीय अतिथियों को जिन्होंने अपना अमूल्य समय निकालकर दूर दराज से आए हैं, मैं उनको निवेदन करूंगा ससम्मान मेरी कार्य समिति के लोग उन्हें यहाँ मंच कर लाए। मैं घनश्याम बाबू जी से निवेदन करूंगा कि आदर पूर्वक उन्हें यहाँ पर मंच पर लाया जाए। श्री हरिवंश सिंह जी को मैं निवेदन करूंगा, श्री अमरजीत मिश्र जी को मैं निवेदन करूंगा कि वो मंच पे आए। और माननीय चंद्रशेखर शुक्ल जी, मैं पांडे परिवार के दोनों युवाओं से कृतज्ञ हूँ कि आप सबने अमोल समय निकाल के, एक युवा वर्ग जब संस्कृति में आके आनंद लेता है, मैं पांडे जी संजय पांडे के दोनों सुपुत्रों का कृतज्ञ हूँ। धन्यवाद सिद्धार्थ जी और आशुतोष जी, जोरदार तालियों से दोनों युवाओं के लिए। अतिथियों का अपार हुजूम लगा हुआ है, मैं जोरदार तालियों से एक बार आपको अभिवादन करूंगा। इतने अतिथि मैं 15 साल के अपने सामाजिक कार्यक्रम में नहीं देखा हूं एक साथ में। ये गुलाब भैया का प्रेम है और उनकी सहजता है कि उनकी सहजता के आगे सारे मूर्धन्य अतिथि हमारे बीच में अपना अमूल्य समय निकाल के आए हैं। श्री सुरेंद्र उपाध्याय जी से निवेदन करूंगा कि वो मंच में आए। अविलंब हम सब सत्ता रापता करना चाहते हैं और आज का मुख्य हमारा ध्येय है महाराष्ट्र की इस भूमि पे आई ये हमारी बहन जो माटी लेकर यहाँ पे आई है और इसका राज तिलक हम सबको इस महाराष्ट्र की भूमि पे करना है। पितामह है, मैं समझता हूँ कि समाज का जब मूर्धन वरिष्ठ पितामह हम सबके बीच में होता है तो हम सबको बल मिलता है और समाज का सबसे युवा तबका भी हमने देखा हमारे साथ में है, तो ये होता है संस्कृति का पराक्रम। श्री धर्मेंद्र जी है, मैं चाहूंगा गुलाब दुबे जी से कि अब वो अतिथियों को ससम्मान मनाया जाए। ये सभागार, ये ठाणे का जनमानस इसका साक्षी रहेगा कि उत्तर प्रदेश से पधारी हमारी बहन श्रीमती अंजू उपाध्याय जी को महाराष्ट्र गौरव सम्मान देने जा रहा है और आप सबके आशीर्वाद से इतना बड़ा स्थापना है किसी कलाकार को जमीन से उठा हुआ, ये आदर ये सम्मान भारत की भूमि में ही मिल सकता है और परिश्रम करने वालों को ही मिल सकता है। तो जोरदार तालियों का प्रांगण गड़गड़ाता रहे। मैं चाहूंगा कि उनका स्वागत हमारे घनश्याम जी, श्री अमरजीत जी और श्री हरिवंश जी, उनको शाल श्रीफल पुष्पगुच्छ और सम्मान चिन्ह तालियों की गड़गड़ाहट। स्वर्ग की सम्राज्ञी का एक गृहिणी जो घर से उठी और हम सबके बीच महाराष्ट्र उत्तर भारतीय महाजगन्नाथ के तरफ से भी, दीवा के तरफ से भी सम्मान चिन्ह में चाहूंगा, त्वरित आप उसको सम्मान को दे। सर थोड़ा क्लोज में कार्यक्रम चलेगा, 20-15 मिनट के बाद कार्यक्रम। थोड़ा सर के नाम नितेश उपाध्याय जी, नितेश उपाध्याय जी वर्मन आर्मी कहा है गुरु जी, थोड़ा सर के नाम। कार्य हो रहा और इतनी कंजूसी है ताली में, मजा तो नहीं आया। अंजू जी ने आपकी सेवा की है और पूरा समाज आज इस बिटिया को आशीर्वाद स्वरूप जो है ये पुरस्कार दे रहा है और आप लोग ताली बजाने की कंजूसी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात तो नहीं है। ताली बजाइए माता जी। और अभी मेरे इतने बड़े भैया फिर होगा बढ़िया वाला रखा है, लेकिन फिर भी मैंने माइक ले लिया। आप सभी को थैंक यू सो मच बोलने के लिए, क्योंकि आज ये जो मुझे पुरस्कार मिला है, जो सम्मान मिला है, बिना आप सबके सहयोग के ये संभव नहीं था, आप सबके प्यार आशीर्वाद के बिना संभव नहीं था। तो इसके असली हकदार, धन्यवाद के हकदार आप लोग हो और आपकी ये बिटिया, आपकी ये बहन, आप सभी को धन्यवाद देते हुए आप सबका आशीर्वाद चाहती है। बस यूं ही मेरे सर पे अपना आशीर्वाद बनाए रखिए और ये सम्मान मुझे बहुत गौरवान्वित कर रहा है। और इस सम्मान के लिए मैं माननीय श्री गुलाब चंद दुबे भैया को थैंक यू बोलना चाहूँगी और माननीय श्री एकनाथ शिंदे जी को भी थैंक यू बोलना चाहूँगी, जो कि यहाँ के उगते हुए सूरज हैं, यहाँ के CM हैं, मुझे इतना सम्मान दिया, इतना मान दिया और ये मंच मुझे दिया। थैंक यू सो मच तो कुछ नहीं है, मेरे पास शब्द नहीं है। थैंक यू। हम अपने इस मंच पर मंचासे सभी मान्यवर सभी अतिथि के साक्षी में एक प्रासंगिक विषय बताना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री एकनाथ शिंदे साहब, परसों की हमारी मुलाकात हुई, हमने ये गौरव
आदरणीय श्री अमरजीत भैया या हमारे मान्यवर सभी हमारे अतिथिगण, मैं आपके साक्ष्य में इस मंच पर समाज को साक्षी मान करके आप लोग से झूठ नहीं कहूंगा, सच कहूंगा जो बात कहना चाहता हूं। मुझे लगा कि अपने समाज के सानिध्य में इस बहन को इस सम्मानित गौरव को दिया जाए। आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब ने टेम्बी नाका पे अंजो अमृत को बुलाकर और मुझे ये कहा कि नहीं, महाराष्ट्र गौरव इनको देंगे और उन्हें इन्होंने सम्मानित किया, उनकी स्वीकृति मिली। एक बार मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब के लिए एक अभिवादन और तालियों की गड़गड़ाहट को बनते हैं उनके सम्मान के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। गवर्नमेंट आर्मी के नितेश उपाध्याय जी, मैं चाहूंगा आम आदमी भैया का आदर सम्मान करें, उन्हें भी आज सम्मान दिया जा रहा है। दुगे जी। और अंजू जी भी पति हैं तो इसलिए जोरदार ताली। महाराष्ट्र भोजपुरी भूषण के दो हमारे कलाकार हैं, मैं उनको भी निवेदन करूंगा, श्री राकेश जी और श्री सोनू सिंह सुबिला जी। एक जन को महाराष्ट्र भूषण है और एक जन महाराष्ट्र रत्न है। मैं दोनों जन को अनुग्रह करूंगा कि आप दोनों का सम्मान हो जाए। भोजपुरी को, भोजपुरी गीतों को स्थापित करने में इस मुंबई के नगर उपनगर में आप सबका बहुत अच्छा योगदान रहा है। अपने माटी की महक, अपनी भाषा को आप सब लेकर यहाँ पे बिगुल बजाए हुए हैं। दुबे जी, गुरु जी, आप सामने देखिए, सामने आप वहीं रहिए। श्री सोनू सिंह सुरीला जी सतत भोजपुरी गीतों की सेवा के माध्यम से आपने ठाणे नगर उपनगर को बहुत ही रस मिलाया है। बहुत ही रसिक व्यक्ति है सोनू सिंह जी, धन्यवाद आपका। मैं अपनी कार्य समिति के सभी सदस्यों से कहूंगा कि हमारे अतिथि देवो भव जो है उनके स्वागत के लिए एकदम तत्पर तैयार रहे। सोनू, इस कचहरी महोत्सव पहली बार उत्तर भारतीय समाज के बैनर तले हम लोगों ने निश्चित किया है। अमरजीत भैया, श्री राधेश्याम तिवारी जी, श्री घनश्याम भैया, अरविंद सिंह जी, सभी मान्यवर, तालियां बहुत जरूरी है। और संगीत अभी और अंजू जी का हमें दशा स्वादन लेना है, इसलिए बस 5 मिनट के अविलंब इस कार्यक्रम के बाद मैं चाहूंगा कि फिर से पुनः हम आप और दो पत्रकारों को बुलाया गया था, हमारे बीच में 2 पत्रकार हैं, वो अविलंब आ जाए, श्री रवि जी और श्री महेंद्र मणि जी। साधना पांडे जी हम सबके बीच में, ये सम्मान का मुहूर्त, आप सबका आशीर्वाद हम सबके लिए अकल्पनीय था। इतने जल्दी इस कार्यक्रम का तैयारी और इतने लोगों की उपस्थिति, ये बहुत ही बहुत भगवत कृपा है, इस कृपा है। निर्भीक पत्रकारिता के लिए मैं चाहूंगा महेंद्र मणि और श्री रवि जी दोनों जन आ जाए। और पत्रकारिता का सम्मान अगर पाना हो और अनिल थत्ते जी के हाथों से न पाए तो शायद गौरवपूर्ण न होगा। तो निर्भीक पत्रकारिता का साक्ष्य है सभी के लिए कि कलम चलती है
और जब उनकी जीवा चलती है तो लोग और सत्ता तंत्र हिल जाता है। ऐसे निर्भीक पत्रकार श्री अनिल धत्ते जी और रविंद्र दुबे जी जहां कहीं हो। रविंद्र जी, महेंद्र जी वहीं रुको, एक ग्रुप फोटो ले। मैं चाहूंगा अब आज की ये दुबे जी सम्मान की जो कलाकारों का और पारिश्रमिक करने वालों का सम्मान था, ये हम सब के लिए गौरव का क्षण रहा। लेकिन अब पहला है जिन अतिथि महनीय अतिथि उपस्थित है उद्योग श्री, हमारे बीच में श्री अनूप जलाल जी है, उनको बुलाना चाहूंगा। श्री अनूप जलाल जी, अरे वो कहां गए? अनूप जलाल जी, श्री अनूप जलाल, जोरदार तालियां। अपनी उद्योग क्षेत्र में उद्यम श्री का सम्मान जो है, कार्यक्रम फिर से चालू होने वाला है। अंजू जी का उभर कर अपनी इच्छाओं को यहाँ पे लेके कार्य कर रहा है, जोरदार तालियां बाबू जी की होनी चाहिए। श्री अमरजीत मिश्र, एक बहुत बड़ा कार्यक्रम उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस जो विगत 30 वर्षों से महाराष्ट्र की धाम पे सफलतम कार्यक्रम में माना जाता है, जोरदार तालियां एक बार उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस के सबसे बड़े आयोजनकर्ता को मैं नमन करता हूँ। उसकी वजह से मुझे टिकट मिला, मैं उनका आभारी हूँ। आ चुकी है अंजू जी से मैं आग्रह करूंगा कि फिर से बहुत पुरस्कार मिले हैं अपने इस संगीतकारों को, मैं कहूंगा बुलाओ और आप संगीत के विधा से अभी पीछे हमारे स्टेज नहीं है लेकिन थोड़ा बिजी है इसीलिए वो अभी नहीं मिल सकती है, फिर भी हमने उनका पूरा फुटेज हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी को दिया है। आप सभी का आशीर्वाद है, हमारे समाज का गौरव है और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो आज हमारा समारोह यहाँ पे पार पड़ा है आप देख सकते समाज के लिए आज का बहुत ही गौरवशाली दिन है कि मुंबई में महाराष्ट्र में रहने वाले सभी उत्तर भारतीयों के लिए ये समाज काम कर रहा है। तो मुंबई महाराष्ट्र से आप देख सकते हो बहुत ही बढ़िया तरीके से आज का प्रोग्राम हुआ है भाइयों। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में, आइए।